नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन पौधों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है उन्हें फोटोब्लास्टिक कहते हैं, जैसे इवनिंग प्रिमरोज और लेटस। ठीक, तो जिन पौधों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, फोटो प्लास्टिक कहते हैं, जैसे क्या हो गया, इवनिंग प्रिमरोज और लेटस। फिर दूसरा, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत क्या है, वर्षा है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय का है, भारत में, और विश्व में सबसे कम वर्षा पेरू और चिली में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, लेह में होती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। चौथा प्रश्न है, यदि वायु में जल की मात्रा बढ़ जाए तो उसे आर्द्र वायु कहते हैं। वायु की आर्द्रता साइक्रोमीटर व हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा का पीएच कितना होता है, 6 से 7 तक होता है, इसलिए मृदा हल्की अम्लीय होती है। फसलों के लिए सबसे अच्छी मृदा या मिट्टी कौन सी होती है, दोमट मिट्टी। फसलों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी क्या होती है, दोमट मिट्टी होती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम बलुई मिट्टी में और सबसे अधिक दोमट मिट्टी में होती है। नौवां प्रश्न है, लावा द्वारा निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। लवणोद्भिद पौधे क्या होते हैं, यह पौधे समुद्र के किनारे लवणीय स्थानों पर उगते हैं। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, इसलिए इन पौधों को बच्चे देने वाले पौधे भी कहते हैं। यह पौधे क्या होता है, यह समुद्र के किनारे लवणीय स्थानों पर उगते हैं तथा इन पौधों के बीज फलों के अंदर ही क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, इसलिए इन पौधों को बच्चे देने वाले पौधे भी कहते हैं, जैसे मैंग्रोव पौधा, कैक्टस, एलोवेरा इत्यादि। ये क्या हैं, बलुद्भिद पौधे हैं। ये क्या होते हैं, बालू में उगते हैं। जलोद्भिद पौधे, ये पौधे क्या होते हैं, जल में उगते हैं, जैसे सिंघाड़ा, कमल, जलकुंभी। मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं, ये पौधे मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाते हैं और वाटर लेवल अधिक होने के कारण इनकी जड़ें क्या होती हैं, अत्यधिक लंबी होती हैं। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, किसकी, मरुद्भिद पौधे की, जैसे एलोवेरा, नागफनी, कैक्टस, अपुंसिया इत्यादि। मुरझाना क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन दर अवशोषित जल की अपेक्षा अधिक हो जाए तो क्या होता है, पौधे मुरझा जाते हैं। पौधों के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, जड़, तना, पत्ती, और फल के दो भाग होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। ये क्या हैं, ये फल के दो भाग हैं, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल कौन होते हैं, ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय से विकसित हो जाते हैं वे सत्य फल होते हैं। असत्य फल कौन होते हैं, जो अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं, जैसे सेब और नाशपाती, या नाशपत्ती भी बोलते हैं इसको। पौधों में दो संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, जाइलम से जल का परिवहन होता है। जाइलम, जल आ रहा है ना, तो जाइलम से क्या होता है, जल का परिवहन होता है, और फ्लोएम से या खनिज लवण तथा स्टार्च का परिवहन होता है। जाइलम से जल का और फ्लोएम से खनिज लवण तथा स्टार्च का परिवहन होता है। अगला प्रश्न 18वां है, बोध वृक्ष किसे कहते हैं, बोध वृक्ष क्या है, बोध वृक्ष है, पीपल को बोध वृक्ष कहा गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था।
पौधे जल का अवशोषण परासरण दाब के द्वारा करते हैं। बीज, यह पुष्प के अंडाणु या बीजांड से विकसित होता है। बीज के लिए वायु तथा नम्रता की आवश्यकता होती है। बीज के दो भाग हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में आपका गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि आते हैं तथा द्विबीजपत्री में सभी दालें, चना, अरहर इत्यादि, सरसों, आम, अमरूद, ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं। एक बीजपत्री में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि आता है। कीटभक्षी पौधे, ये पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं कीटभक्षी पौधे। ये पौधे कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। कीटों को खाकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन की, जैसे ड्रोसेरा घटपरड़ी या नेप्थनीज भी इसको बोलते हैं। अगला यूट्रिकुलेरिया, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। कच्चे फलों में पिक्टेट पाया जाता है। यह फल पकने के बाद पैक्टिक एसिड में बदल जाता है। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। लाइकेन क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जिस वायु में SO2 की मात्रा अधिक होती है वहां लाइकेन नहीं उगता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इसको अर्नेस्ट हैगल ने प्रतिपादित किया, यानी कि इसके जनक कौन है, अर्नेस्ट हैगल। इकोसिस्टम AG टॉन्सले ने इसका नाम दिया था। और भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक जो हैं वो कौन है, आर मिश्रा जी। आर मिश्रा क्या है, भारतीय पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं। अगला 25वां, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग साहित्य में सबसे पहले रिटर ने किया था। ओके, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक में क्या आता है, भौतिक घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला घास के मैदान, घास के मैदान को सवाना भी कहा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में घास के मैदान के अलग अलग नाम हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी बोला जाता है घास के मैदान को। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस बोला जाता है। दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी, वेनेजुएला कोलंबिया में लानोस, दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना में पंपास। यूरोप तथा एशिया में स्टेपीज बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउंस, न्यूजीलैंड में तुषाक या कैंटर वरी भी बोलते हैं। और ब्राज़ील में कैम्पोज भी या कम्पास, कैम्पोज ब्राज़ील में घास के मैदान को जाना जाता है कैम्पोज के नाम से। 28वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। गोभी का मरुस्थल, ये कहाँ पे है, मंगोलिया में। गोभी का मरुस्थल कहाँ पे है, मंगोलिया में। विश्व का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, गोभी का मरुस्थल, ये कहाँ पे है, मंगोलिया में। और विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं या स्कैवेंजर कहा जाता है। पर्यावरण से रिलेटेड ये 30 प्रश्न आपने अभी पढ़ा और इसको आप 2-3 बार इसका अगर आप रिविज़न करते हैं तो ये आपको अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।